दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू A18 तेलंगाना न्यूज। CI गोलकुंडा चंद्रशेखर रेड्डी अपील्स पब्लिक टू फॉलो कोविड प्रिकॉशंस, अदरवाइज इट विल टेक यू बिहाइंड दी बार्स एंड ऑल्सो सेज ऑन बाइक नंबर प्लेट्स। रिपोर्टेड बाय सीनियर रिपोर्टर इमरान खान एंड कैमरामैन मोहम्मद शौकत। A18 तेलंगाना न्यूज ब्यूरो। बहुत इफेक्ट है तो उसके सिलसिले में आप सब लोग प्रिकॉशंस लेना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क वेयर करना है और सब इंप्लीमेंट करना है। अगर वो नहीं है तो सेक्शन 51-60 के डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट हिसाब से आप सब लोग ऊपर कानून के हिसाब से एक्शन ले सकते। कोई मौका पुलिस को नहीं देने के लिए हम आप सब लोग को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मालूम है ये सब प्रिकॉशंस आप पुलिस की तरह वजह से दूसरों की वजह से नहीं ले रहे। आपको, आपका परिवार को, आपका पड़ोसियों को हेल्थ और वेल्थी रहने के लिए आप भी शामिल होना है। और इसके साथ शब्बे बारात का भी आज मुस्लिम ब्रदर्स का फेस्टिवल्स है, दोनों एक फ्रेंडली नेचर ब्रदरहुड नेचर के हिसाब से बनाने के लिए हम पुलिस की तरफ से आप लोग सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स इंक्लूडिंग फोर व्हीलर्स का कम्यूटर्स को हम कस्टडी में ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग नंबर प्लेट के जगह में स्टिकर लगाना, नहीं तो नंबर प्लेट को फोल्ड करना, नंबर को मास्क लगाना, नंबर नहीं दिखे जैसा कुछ कपड़ा डालना, ये पूरा हरकत करके पब्लिक को और डिपार्टमेंट्स को सब कुछ चीट कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम लोग नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग में, व्हीकल चेकिंग में, इन जनरल ड्यूटी में भी वो नज़र पे रखे और सब लोगों को गाड़ी के साथ केस को लेके आए, उन लोगों के ऊपर चीटिंग केसेस और अटेम्प्टेड चीटिंग केसेस फाइल कर रहे हैं, कानून में सामने पेश कर रहे हैं। इसमें बोलने का मकसद और पर्पस कम्प्यूटर्स कौन चलाते, उनके साथ पेरेंट्स और घर में कौन कौन एल्डर रहता, उन्हें जिम्मेदार लेना है, क्योंकि गाड़ियां पूरे घर से रोड पे आते तो घर के सामने रहे सो गाड़ियों को नंबर प्लेट कैसा है, अपने बेटा अपना भाई सही तरीके से लेके जा रहा या नहीं वो मालूम कर लेना है, देखना है। क्योंकि हम पुलिस वाले पकड़ने के बाद पुलिस से कहा कि मेरे बच्चा को नहीं मालूम था, दूसरा बच्चा लगाया, ऐसे पूरा कहानियां बहाने बता रहे। तो कानून एक्शन लेने से पहले आपके हाथ में कानून है, आप खुद कानून प्रोटेक्ट कर सकते। आप घर में देख लेना, अगर बच्चे गलत रहे तो उसको समझाना है और नहीं सुने तो आप बड़े आदमी हैं, आप अच्छे समझ सकते हैं। और उसके साथ माइनर बच्चे गाड़ियां लेके घूम रहे, हम पुलिस वाले पकड़ने के बाद आके बोल रहे सर ट्यूशन को भेजा दिया, दूध के लिए भेजा दिया, चावल के लिए भेजा है। अरे भाई, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना है, उसके लिए 18 ईयर्स कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ आप लोग मालूम है, नज़रअंदाज करें तो उसका अंजाम बाद में हम लोग पेश करना पड़ता, क्योंकि आजकल देख रहे छोटे छोटे बच्चे रोडों के ऊपर आ रहे हैं, एक्सीडेंट में बड़े एक्सीडेंट्स फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नॉन फैटल एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं उनको, और आगे वाले को भी इनोसेंट रोड पे जाते रहते, कोई भी कसूर नहीं रहता, मगर वो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। तो आप पेरेंट्स कुछ बार बार हम वही बोल रहे हैं, यहाँ पर आए सवालों को काउंसलिंग दे रहे हैं, साइमल्टेनियसली उसके ऊपर एनफोर्समेंट वर्क भी जारी है। तो और एक बार हम बोल रहे हैं पेरेंट्स और स्कूल में कौन टीचर्स कौन बड़ा आदमी है उन खुद इम्प्लीमेंट करना है, साइमल्टेनियस
उसके अंडर में रहे सो स्टाफ को, एम्प्लॉयर्स को, सबको अलर्ट करने का जिम्मेदार लेने के लिए पुलिस की तरफ से गुजारिश है। गाड़ी को जो पकड़े सर उसको सीज कर दे, गाड़ी सीज कर दे रहे, कोर्ट से अगर ऑर्डर लाए तो गाड़ी रिलीज कर रहे, उसके साथ गाड़ी किसके नाम पे है उनको हैंडओवर कर रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां 10 साल पहले 20 साल पहले खरीदे तो है, उन लोगों के ऊपर नेम ट्रांसफर नहीं हुआ, नाम ट्रांसफर नहीं होने की वजह से भी कोई एक्सीडेंट होने के टाइम पे, कोई ट्रैफिक चैलेंज क्लियर करने के टाइम पे पुराने ओनर के पास जा रहे हैं तो एड्रेस मिलता नहीं, वो फिर भी बहुत मुश्किल से पुलिस पकड़ रहे, तो इसलिए हम गाड़ी सिर्फ ओनर को हैंड ओवर करने का फैसला किया है, उनको हैंड ओवर करेंगे। सर जो गाड़ियां बेच रहे सर ओनर्स जो ट्रांसफर नहीं करा ले रहे तो उनके लिए क्या मैसेज है सर, विदिन हाउ मेनी डेज दे शुड बी ट्रांसफर द पेपर्स? ये सब पूरा गाड़ी के ओनर की जिम्मेदारी है, बेचने वाले की जिम्मेदारी है, कौन खरीद रहे उसका सेकेंडरी है, नेम ट्रांसफर करने के बाद ही गाड़ी हैंड ओवर करना है, कानून भी वही बोलता है, हम भी वही बोलते हैं। लास्ट टाइम कुछ केसेस ऐसे भी है सर जो स्नैकिंग्स में थे गाड़ियां तो उसके ओनर्स को और गाड़ियां किसी और के नहीं। रिसेंट पास्ट आल्सो एक 10 दिन पहले अपने पुलिस शहर में केस रजिस्टर हुआ, वो घर का व्हीकल का ओनर गाड़ी घर के सामने लगा दिया, अंदर जाके सो गया, वही गाड़ी को थेफ्ट करके अफजलगंज लिमिट्स में चोरी केस में इन्वॉल्वमेंट हुए तो उनको अरेस्ट कर दिया, अफेंडर्स तो मिल गया, मगर इस सिलसिले में हम बोलना चाह रहे हैं गाड़ियों को रोड के ऊपर मत लगाइए, अपने गेट के अंदर कंपाउंड वॉल के अंदर लगा लेना, सेफ्टी सिक्योरिटी आपका भी रिस्पांसिबिलिटी है, पूरा रोड के ऊपर लगा दे कि आप देखो बोले तो नुकसान होने वाले आप लोग है। ओके सर, थैंक यू।